हेलो गाइस, वेलकम टू SPPS स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 8, संस्कृतियों का टकराव ऑफ 11th क्लास हिस्ट्री। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 8, संस्कृतियों का टकराव के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए, ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एज टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना करने पर निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। एजटेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता की, क्योंकि एजटेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता थी क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है, इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ था, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था, ठीक है। एजटेक सभ्यता के चित्रात्मक लिपि, एजटेक सभ्यता के चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अंततः उसका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से लिखा जाता था। दूसरी तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को क्यूनी फॉर्म अर्थात कलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को कलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था। लातिनी शब्दों में क्यूनियस और फॉर्मों को मिलाकर क्यूनिफॉर्म शब्द बना है। क्यूनियस का अर्थ है खुटी और फॉर्म का अर्थ है आकार, ठीक है। क्यूनियस का अर्थ होता है खुटी और फॉर्म का अर्थ है आकार। इस प्रकार से इस आशुलिपि का विकास चित्रों से हुआ। इस सभ्यता में लिपिक के कार्य को महत्वपूर्ण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। एक सुसंगठित लेखन कला की वजह से ही मेसोपोटामिया में उच्च कोटि के साहित्य का विकास संभव हुआ, ठीक है। एजटेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एजटेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ, अतः यह सभ्यता ऐतिहासिक युग में विकसित होने वाली सभ्यता थी। हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास काश्यकाल में हुआ, अतः यह काश्यकालीन सभ्यता थी, ठीक है। एजटेक निवासी कृत्रिम टापू निर्मित करने में दक्ष थे। उन्होंने सरकंडे की विशाल चटाइयाँ बुनने के पश्चात ही उन्हें मिट्टी पत्तों आदि से ढककर मेक्सिको झील में कृत्रिम टापुओं का निर्माण किया। ऐसे टापुओं को चिन्नाम्यप्या के नाम से जाना जाता है। इन्हीं उपजाऊ द्वीपों के मध्य नहरें बनाई गई, ठीक है, इन्हीं उपजाऊ द्वीपों के मध्य नहरें बनाई गई। उन पर टेनोकिटल लॉन शहर बसाया गया। इस प्रकार के शहरों का उदाहरण मेसोपोटामिया सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है। वस्तुतः मेसोपोटामिया नहरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली,
ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्राओं ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। ठीक है, सन 1380 में ही दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृतांत वे भूगोल पर लिखी पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के शासन इन नए क्षेत्रों की खोज के लिए धन देने को तैयार थे और ऐसा करने के लिए उनके आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। ठीक है, इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौसंचालन को सहायता देने वाले कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के बहुत से लोग पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उनके शासन दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व से के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। ठीक है, इसका कारण यह था कि प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आ गई और व्यापार में मंदी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संसार के कुछ देशों में वासी अपनी ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राएं पर निकल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए दूर दूर के देशों की यात्रा करने को तैयार थे। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसा समझा जाता था कि व्यापार के समानांतर यूरोपीय लोगों का इन देशों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा वे इस गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। स्पेन और पुर्तगाल ने ही 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट कारण देखेंगे। स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अटलांटिक पारगमन की प्रेरणा दी। इन देशों का अटलांटिक महासागर पर स्थित होना उनके लिए अटलांटिक पारगमन का प्रथम महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद पुर्तगाल ने मछुआही एवं नौकायन के क्षेत्र में विशेष प्रवीणता प्राप्त कर ली। पुर्तगाली मछुआरे एवं नाविक अत्यधिक साहसी थे। और उनके सामुद्रिक यात्राओं में विशेष अभिरुचि थी। पुर्तगाली शासन प्रिंस हेनरी वस्तुतः नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है,
पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी वस्तुतः नाविक हेनरिक नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाविकों को जल मार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा की तथा 1415 ईस्वी में सीरस पर हमला किया। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की। परिणाम स्वरूप 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कोविल हम ने भारत के मालाबार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार स्पेन वासियों ने नाविक कोलंबस को भारत की खोज के लिए धन से यथासंभव सहायता की। निसंदेह कोलंबस ने अटलांटिक सागर से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया, परंतु संयोगवश वह अमेरिका की खोज करने में समर्थ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में बेची जाती थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अमेरिका की खोज के लिए के कई अहम दीर्घकालीन एवं तात्कालिक परिणाम हुए। अनिश्चितता से पल पल दो चार होती सामूहिक यात्राएं आगामी समय में न केवल यूरोप अफ्रीका एवं अमेरिका को अपितु पूरे विश्व को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित की। अमेरिका की खोज के परिणाम स्वरूप हासिल होने वाले सोने चांदी के असीम भंडार ने औद्योगिकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहित किया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा इंग्लैंड जैसे देशों में संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना की। साथ साथ व्यापक स्तर पर संयुक्त व्यापारिक अभियानों का आयोजन किया। यहाँ तक कि इन्होंने उपनिवेशवाद की स्थापना की और दक्षिणी अमेरिका में उत्पन्न होने वाली खाद्य वस्तुएं जैसे तंबाकू, आलू, गन्ना, काकाओ आदि से यूरोपवासियों को परिचित कराया। विशेष रूप से यूरोपवासियों का परिचय आलू तथा लाल मिर्च से हुआ। और सभी वस्तुएं अमेरिका दुनिया में भेजी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील ले जाए गए एक 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखेंगे। पुर्तगालियों का ब्राजील पर कब्जा महज एक इत्तफाक था। पेड्रो अल्वारिस केब्राल एक दिलेर नाविक था। उसने
1500 ईस्वी में एक विशाल जहाजी बेड़े के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, उन्होंने 1500 ईस्वी में एक विशाल जहाजी बेड़े के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाकर वह ब्राज़ील के समुद्र तट पर जा पहुँचे। यद्यपि पुर्तगालियों को ब्राज़ील से सोना मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तथापि वे वहाँ की इमारती लकड़ी के द्वारा पर्याप्त धन कमा सकते थे। निसंदेह ब्राज़ील की इमारती लकड़ी की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। इसके व्यापार को लेकर पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी बार बार संघर्ष में उलझते रहते थे, लेकिन अंत में विजय पुर्तगालियों को मिली। इसी क्रम में पुर्तगाल के राजा ने 1534 ईस्वी में ब्राज़ील के तट को 14 अनुवांशीय कप्तानियों में विभक्त कर दिया और उनके स्वामित्व के अधिकार को वहां स्थायी रूप से रहने के इच्छुक पुर्तगालियों को सौंप दिया। इसके साथ ही उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। ठीक है, उन्होंने स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। ऐसा अनुमान है कि 1550 से 1580 शक्तियों ने ब्राज़ील में करीब 36 लाख से अधिक अफ्रीकीय गुलामों का आयात किया। ठीक है।